साधन विहीन छह जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न। जनपद मैनपुरी के रामलीला कमेटी के तत्वाधान में गरीब परिवार के साधन विहीन छह अविवाहित कन्याओं को सामूहिक विवाह के दौरान मंत्रोच्चारण कर दंपत्ति जीवन में जोड़ा गया। वहीं माता पिता व परिजनों के अलावा कमेटी के सदस्यों ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विवाह समारोह के दौरान प्रत्येक जोड़े को घरेलू सामान के रूप में फ्रीजर, एलईडी टीवी, कूलर, कपड़े, बर्तन के अलावा समस्त घरेलू सामान दिया गया। तो वहीं शादी के बंधन में बंधे सभी जोड़ों को सामूहिक शादी प्रमाण पत्र देकर रामलीला कमेटी ने इन्हें विदा किया। तो वहीं विवाहित कन्याओं के परिजनों ने कमेटी के सभी सदस्यों व सहयोग करने वालों का आभार प्रकट किया है। क्या नाम है? सुरेश। आज क्या आपकी गुड़िया का क्या नाम है? लक्ष्मी। अच्छा, आज लक्ष्मी की शादी हुई है सामूहिक विवाह में, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, गुड़िया की शादी करने में कितनी कठिनाइयाँ आ रही थी आपको? कोई कठिनाइयाँ ना, जो सुविधा मिल गई बढ़िया मिल गई। अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे ट्रस्ट के लिए जो शादी करवाए हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? धन्यवाद दे रहे हैं। सोनू, कहाँ के रहने वाले हो? मैं जिला नावा से हूँ। अच्छा, आज यहाँ पे सामूहिक विवाह हुआ है, आपकी गुड़िया के हाथ पीले किए जा रहे हैं ट्रस्ट के द्वारा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, क्या मतलब आप गरीब परिवार से हैं, शादियाँ होने में क्या दिक्कतें आ रही थी? बहुत सहयोग किया है सर, बहुत बहुत आभारी है सर। जिन लोगों ने शादी कराई उनके लिए क्या कहेंगे? छह जोड़ों का जो है ना सामूहिक विवाह हो रहा है सर, किस ट्रस्ट से हो रहा है और सर इसमें कहाँ कहाँ के ये बच्चे हैं? देखिए, ये आज का जो कार्यक्रम जो है बच्चों के छह बालकों के जो विवाह हो रहे हैं, उन बच्चों में उनके परिवार में साधन भी कम होती है, तो उनका विवाह जो कमेटी करती चली आई है, पहले जो अमरनाथ सेवा मंडल से हुआ करता था जी। अब चूंकि इस बार जब इन्होंने रामलीला मैदान को पूरा व्यवस्थित देखा, तो रामलीला कमेटी के तत्वाधान में आज ये छह बच्चों के विवाह के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें शहर के सभी लोगों ने इस आहुति में कन्यादान के रूप में बहुत बहुत सामान के रूप में दिया, दहेज के रूप में और नगद भी दिया। और सभी इन बालकों ने जो इसमें हर्ष गुप्ता अपने ढकरई वाले, मनोज राठौर जी, मिश्रा जी, ऐसे करके कई बालक ऐसे हैं जिन्होंने रात दिन श्याम प्रधान रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को बड़े अच्छे रूप में लिया। और आज आप देख रहे होंगे इसमें सारी चीजें हैं जो इनको मिलना चाहिए जी। अलमारी भी है जी, बर्तन भी हैं जो पचाड़ के और दरवाजे के बर्तन होते हैं, उसके संग फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन तो नहीं है लेकिन कूलर है, एलईडी है, टीवी ना हो के एलईडी है, ऐसे करके हर चीज उन्होंने जो होना चाहिए इनके संग 53 आइटम है। और जो पलाव पूड़ी जो भाजी में जाती है जी, उसकी भी व्यवस्था की है। अगर बात की जाए तो इसमें इन जोड़ों को विदा करने में संस्थान का कितना खर्चा आता है? लगभग 6 जोड़े खर्चा इसलिए नहीं जोड़ते हैं जी, जिसने लहंगा दिया, जिसने शेरवानी दी, जिसने अलमारी दी, अब उससे तो हमने पैसे तो पूछे नहीं। ठीक है, ठीक है। क्या मतलब हमें? नहीं नहीं, मैं सामान की बात कर रहा हूँ, सामान की बात। सामान अंदाज मेरे ख्याल से एक जोड़े को जिस हिसाब से आज की व्यवस्था है 50,000 का सामान बैठ जाएगा। आज कोई भी फ्रिज जो है 10,000, 8,000, 9,000 से कम का नहीं आता। सर, आगे आने वाले मतलब लोगों को क्या दिशा निर्देश देना चाहिए? सबसे निवेदन किया और सब लोग खुश हो रहे हैं और आगे उनकी व्यवस्था ये है कि और ज्यादा सामान दिया जाएगा। अभी चर्चा चली कि इनको अगर हम वो दे दें एसी, एक बार तो हम लिख रहे हैं कि साधन विहीन, और फिर हमें एसी दे दें, एसी की भी